नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर में 10 लाख रुपए के दहेज के लिए शासकीय कर्मचारी पत्नी को कर रहा था प्रताड़ित। हीरानगर पुलिस ने पति देवर और सास ससुर पर किया मुकदमा दर्ज। दरअसल मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के बजरंग नगर का है। यहाँ रहने वाली नवविवाहिता द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके ससुराल पक्ष में उसके पति देवर और सास ससुर द्वारा 10 लाख रुपए के दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और एक महीने से उसके पति ने उसे अपने ही मायके में छोड़कर चला गया। युवती द्वारा थाने पर लिखित आवेदन के बाद कई बार युवती के ससुराल पक्ष के लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर पुलिस ने पूरे परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पति राहुल गोवा में पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी में है। वहीं नवविवाहित युवती द्वारा बताया गया है कि उसके पति सास और देवर उसे लगातार ताने मारते थे। वह गरीब कहकर हमेशा चिल्लाते थे और पिछले दिनों गर्भवती होने के चलते पियर घर छोड़कर चले गए। तो वहीं पति राहुल सोशल मीडिया पर भी नवविवाहित युवती के खिलाफ अनर्गल बातें लिखकर डालता था। इन्हीं सब बातों से नवविवाहित ने कई बार पूरे ससुराल पक्ष को अपने परिवार के साथ समझाया भी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसी के चलते वह हमेशा युवती को अपनी अमीरी के चलते कभी भी एक समान अधिकार नहीं दिया। इन सबसे परेशान होकर युवती ने अपने परिवार के साथ यह कदम उठाया है। 2019 में मेरी शादी हुई थी, उसके बाद से मेरे ससुराल जन वाले मुझे परेशान करते थे और मुझे दहेज के लिए परेशान करते थे। 10 लाख रुपए की डिमांड करते थे मुझे, और मेरे देवर और पति दोनों गवर्नमेंट जॉब में है। उसके बावजूद मेरे घर वालों से वो लोग पैसे के लिए डिमांड करते थे, बोलते थे कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुझे जान से मार देंगे, घर से निकालने की धमकी देते थे। घर में रहना है तो पैसे लाना पड़ेंगे। फिर जुलाई में मुझे उन लोगों ने घर से धक्का मार के निकाल दिया था। फिर उसके बाद अगस्त में मेरा मिसकैरेज हो गया था 5 महीने का। उसके बाद से उन लोगों ने मुझसे कभी कोई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। जी, आपने यहाँ पर आया किस तरह से कंप्लेन करी? मुझ पर एलिगेशंस लगाए उन लोगों ने कि मैंने अबॉर्शन करवाया है, बहुत सारी चीज़ों के एलिगेशंस लगाए थे उन्होंने। फिर मैंने यहाँ पे हीरानगर थाने में आवेदन दिया था। फिर मैंने यहाँ पे कम से कम 15-20 दिन से मैं यहाँ पे सपोर्ट कर रही थी। फिर यहाँ पे सब लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। जो TI है राजीव भदौरिया जी, उनने मेरा आज काफ़ी सपोर्ट किया। उनके हेल्प से ही मैं FIR कर पाई हूँ तीनों के खिलाफ। क्या काम करते हैं आपके पति? मेरा पति सर पोस्ट ऑफिस में जॉब करता है, पोस्टल असिस्टेंट है गोवा में मापुसा ब्रांच, और देवर लोको पायलट है नागपुर में। कैसे आपकी अरेंज हुई है? परिवार के अरेंज मैरिज हुई थी सर, परिवार वालों ने फिक्स करी थी सब कुछ। आप कितना पढ़ाए? मैं MBA हूँ जी। तो पहले डिमांड नहीं करी थी क्या इन्होंने? पहले इन्होंने डिमांड की थी पैसे के लिए, पर उन्होंने शादी का खर्चा बोल के लिए थे। बोलते शादी में खर्च होगा, बोलते इसलिए चाहिए। और बाद में बोलते कि तेरे घर वालों ने तो बोलते सिर्फ 1.5 लाख रुपये दिया बोलते दहेज में। मेरा दहेज किस बात का? तो बोलते कि मैंने ये तो शादी का खर्चा था। बोलते नहीं, बोलते 1.5 लाख दिए, बोलते 10 लाख और लेके आ बोलते, तभी रहना बोलते इस घर में। बोलते 16 लाख का घर बनाया बोलते हमने, हमको 10 लाख तो चाहिए। ऐसा किस तरह का? फिर क्या काम भी करवाते थे? काम भी करवाते थे। मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थे, उसके बावजूद भी मुझे ये लोग प्रताड़ित करते थे। मेरा पति मेरे से फोर्सफुली रिलेशन बनाता था, मुझे बेड रेस्ट कहा गया था। फोर्सफुली रिलेशन बनाने के चक्कर में मुझे ब्लीडिंग चालू हो गई थी वहाँ पे। फिर मैं डॉक्टर ने बोला कि इन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो फिर उसने मुझे यहाँ भेज दिया। फिर यहाँ पे भी नागपुर में मुझे ये लोग परेशान करते थे, गंदी गंदी गालियाँ बकते थे सास, और देवर भी मेरे साथ ऐसी बिहेव करता था। खाने को नहीं देते थे मुझे, मैं प्रेग्नेंट थी फिर भी मुझे खाने को नहीं दिया जाता था। वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि नवविवाहिता युवती द्वारा दिए गए कथन के अनुसार सबसे पहले ससुराल पक्ष से बात की गई और उन्हें काउंसलिंग के लिए इंदौर बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आया, जिसके बाद युवती के कहे अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू की गई है। एक्चुअली यह आज शाम की घटना है, जिसमें बजरंग नगर में रहने वाली एक 28 वर्षीय विवाहित युवती के द्वारा थाने पर आकर इस तरह की शिकायत की गई कि उसकी शादी आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व नागपुर में राहुल बिजवे नामक युवक से हुई थी, और शादी के करीब 4-5 माह उपरांत उसके पति और उसकी सास के द्वारा उसे विभिन्न तरह से कभी पैसों की बात को लेकर, कभी घरेलू काम को लेकर के प्रताड़ित किया जाता रहा। इसमें हमने अनावेदक पक्ष को कॉल भी किया था कि वो आएँ और काउंसलिंग कर सकें, लेकिन काउंसलिंग के लिए द्वितीय पक्ष सहमत नहीं हुआ। इसके चलते हमने पीड़िता की रिपोर्ट पर उसके पति राहुल बिजवे और उसकी सास एवं देवर के विरुद्ध
498 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसका पति वर्तमान में गोवा में पोस्ट ऑफिस में कार्य करता है और प्रताड़ना के क्रम में लगभग एक वर्ष से पीड़िता अपने मायके में रह रही है और उसका पति और ससुराल वाले ना तो उसको अपने पास रखना चाहते हैं और ना ही उसकी समस्या का कोई आज तक समाधान कर पाए। पर कितने लाखों की डिमांड कर रहे थे? पीड़िता ने यह बताया है कि ससुराल पक्ष उससे 10 लाख रुपए की दहेज के रूप में मांग कर रहा है एवं अन्य तरह से भी प्रताड़ित किया गया है। उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना भी हुई है। हमने अभी प्रकरण दर्ज किया है, अब प्रकरण अनुसंधान में है, पूरी फैक्ट फाइंडिंग करेंगे और इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। राजीव सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी, हीरा। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज।